आज की क्लास में हम अपना पार्ट चार का रिवीजन करेंगे। पार्ट चार का नाम है संख्याओं की तुलना। पार्ट चार क्या है? संख्याओं की तुलना। इसका रिवीजन शुरू करेंगे और इसमें जो प्रश्न है पहला वो है तुलना करके चिन्ह लगाने वाला। तुलना करके क्या लगाना है? इसमें चिन्ह लगाना, चिन्ह ये वाला या ये बराबर का। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, कोई भी प्रश्न ले लेते हैं हम। जैसे यहाँ पे है 205 और है 305। ठीक है, दूसरा प्रश्न है जैसे 409 703। तीसरा प्रश्न है जैसे 835। चौथा 749 647। तो एक और ले लेते हैं 932 938। तो देखते हैं हम इसमें हम किसमें कौन सा चिन्ह लगाएंगे। तो सबसे पहला जो है हमारा 205 और इसमें 305। तो पहले तो आपको क्या करना है, संख्याओं को आपको देखना है कि ना यहाँ पे दो है संख्याओं की, एक एक अंक की आपको तुलना करनी है। यहाँ पे तुलना करने वाला इसलिए है क्योंकि इसमें हम हमें देखना है कि ये दो है, यहाँ पे तीन है। तो यहाँ पे आपने देखा दो और तीन में से कौन सी संख्या बड़ी हुई, कौन सा अंक बड़ा हुआ? तीन। तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 305 का हो गई। अगर आपको पता भी नहीं है, इसको पढ़ना भी नहीं आ रहा आपको, तब भी आप चिन्ह लगा सकते हो। अब ये वाला ही चिन्ह क्यों लगाया? क्योंकि जो भी संख्या बड़ी होती है, दो और तीन में से तीन संख्या बड़ी होती है, तो पहला अंक ही अगर बड़ा आ रहा है, और अगर कई बार ऐसा होता है कि स्टार्टिंग का जो अंक होता है वो समान होता है, बाद में चेंज होता है, तो है ना उसमें हम देखेंगे यहाँ पे दो यहाँ पे तीन, तो तीन बड़ा हुआ तो ये पूरी संख्या 305 बड़ी हुई इस 205 से, है ना। अब जो भी संख्या बड़ी होती है उसकी तरफ आपको एक खुले मुँह वाला चिन्ह लगाना है। ठीक है, दूसरा प्रश्न यहाँ पे 4 है यहाँ पे 7 है, इसमें भी कौन सी संख्या बड़ी है? ये वाली। तो ये वाली संख्या बड़ी है तो इसकी तरफ खुले मुँह वाला चिन्ह लगा दिया। ठीक है, प्रश्न तीसरा 835। दोनों संख्याएं अगर समान होती है, समान संख्या के लिए बराबर का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, अगर दोनों तरफ संख्याएं क्या होती है, समान होती है, एक जैसी संख्या के लिए बराबर का चिन्ह लगाते हैं। चौथा प्रश्न है 749। यहाँ पे देखो आप 7, यहाँ पे 6, तो कौन सी बड़ी संख्या है? 7 ना, तो जो भी संख्या बड़ी होती है उसकी तरफ ऐसे खुले मुँह वाला चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, आप यहाँ देखो 9, यहाँ पे भी 9 है, पता ही नहीं चल रहा पहले अंक से तो कि कौन सी संख्या छोटी है, दोनों समान ही है। अगला अंक देखते हैं, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो दोनों संख्या तो अभी तक इसमें समान है, इसलिए हम तीसरी संख्या देखते हैं, तीसरी संख्या की तुलना करते हैं 2 और 8। तो कौन सी संख्या बड़ी हुई? 2 और 8 में से 8 बड़ी हुई, तो ये वाली संख्या बड़ी होगी, इसलिए इसकी तरफ ऐसा चिन्ह लगा दिया। ठीक है, तो प्रश्न पहला इसी से संबंधित है। प्रश्न जो आपका दूसरा है वो है आरोही क्रम में व्यवस्थित करना। हमने पिछले ही पार्ट में किया था आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में हम संख्याओं को कैसे व्यवस्थित करते हैं? आरोही क्रम में हम संख्याओं को बड़ी संख्या, छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर लिखते हैं। हमेशा आरोही क्रम में जो संख्याएं होगी वो हमेशा हर एक संख्या के बाद अगली संख्या हमेशा बढ़ेगी, कभी भी कम नहीं होगी। तो इसमें क्या है, संख्याएं बढ़ती हुई रहती है, इसलिए इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। इसको कैसे लिखते हैं? बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या, छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में, जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताती हूँ, जैसे है 15 17 29 48। ये हमेशा संख्याएं इसमें क्या हो रही है, बढ़ रही है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 308
655, 745, 848। अब यहाँ देखो, 308 से 655 हो गई, संख्या बढ़ गई। अब 655 से बढ़कर क्या हो गई, 745, 745 से बढ़कर क्या हो गई, 848। तो हर एक संख्या के बाद, एक संख्या के बाद हर एक आगे की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो आरोही क्रम में हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर लिखते हैं, और अवरोही क्रम में क्या करते हैं, अवरोही क्रम में हम हमेशा संख्याओं को बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ लिखते हैं, बड़ी संख्या से छोटी संख्या, छोटी संख्या की ओर लिखते हैं। हमेशा इसमें अवरोही क्रम में संख्याएं घटते हुए क्रम में आएगी, मतलब बड़ी संख्या से लिखेंगे ना हम, तो बड़ी संख्या से जैसे है 345, फिर 251, 140 और 90। तो यहाँ पे देखो, छोटी संख्या से बड़ी संख्या, बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर ही आ रहा है हमेशा। संख्या क्या, हर एक संख्या के बाद संख्या क्या हो रही, घट रही है। तो आरोही क्रम में हमेशा संख्याएं बढ़ेगी और अवरोही क्रम में हमेशा संख्याएं क्या होगी, घटेगी। हर एक संख्या के बाद संख्या घटती जाएगी। सो बच्चों, एक बार आप इनकी प्रैक्टिस कर लेना अपनी कॉपी में, ठीक है। थैंक यू।